पेंटिंग ये कला है और आप सभी ने बचपन में से जरूर करा होगा, पर हम आज इसे करने वाले एक बड़े पैमाने में। और अगले 7 दिन तक मैं करने वाला हूँ 7 different jobs और आज मैं बनने वाला हूँ एक स्ट्रीट आर्टिस्ट। तो चलिए देखते हैं अपने अंदर के हुनर और टैलेंट को ना करके मिस क्या मैं बना पाता हूँ दिन के एंड तक एक परफेक्ट मास्टरपीस। तो ये है प्रशांत भाई और इस स्ट्रीट आर्ट क्रू के ये हेड पेंटर हैं जिन्होंने मुझे ये जॉब दिया है और आज के पूरे दिन ये मुझे गाइड भी करने वाले हैं। प्रशांत भाई हमें थोड़ा ना इस पेंटिंग के बारे में बताइए। म्यूरल पेंटिंग को म्यूरल पेंटिंग मत भी टिकिया किसी सिखाई दियो मुंडी की चीज करी हां करो ना कौन। फिर भैया से थोड़े टाइम टिप्स और गाइडेंस लेने के बाद फाइनली मेरा पहला पेंटिंग में मैं हाथ अपना दे रहा हूं। भैया ने हमें अपना स्टिक दे दिया, अब हम बन चुके हैं मेन हेड पेंटर। ये सच में इतना लंबा है, मतलब इसका जो बोलते हैं ना पेंटिंग के लिए ब्रश, ये इतना सही है बस, बट इसके सामने ना इतना बड़ा छड़ी लगाया गया है ताकि मेजरमेंट प्रॉपर आए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, भैया जो लाइन लगाए हैं उसी के ऊपर बस मैं एक और लाइन ऐड करे जा रहा हूँ। इस पेंटिंग में मेरे को 1% नॉलेज भी नहीं है, पर हम जो काम कर रहे हैं वो टॉप रेटेड है। ओडिशा के अंदर ये पेंटिंग का वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो हो रहा है ओडिया भाषा संस्कृति के ऊपर कराया जा रहा है। मतलब कि ओडिशा का फर्स्ट फिल्म जो था सीता विवाह छबिला वर्णा बहुत ही कम लोगों को पता हुआ इसके बारे में क्योंकि इतना ज्यादा कोई बताता नहीं है, बट हम है ना ओडिशा से, लेट्स मेक ओडिशा प्राउड विद आवर वीडियो। लेट्स गो ओडिशा वाले सब लोग लिख दो जय ओडिशा। थोड़ा सा पेंटिंग एड़ा मेड़ा टेढ़ा हो रहा है, पर भाई भैया जो है ना वो बहुत ज्यादा स्वीट है क्योंकि ऐसे ही कोई भी बंदा आया और उन्हें बोला कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को पेंटिंग करना है, और वो उसे हाँ बोल दिया। मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सच में पेंटिंग कर रहा हूँ और वो भी स्ट्रीट पे। ये वाला जो बन रहा है ये एक प्रेस का मशीन बन रहा है जो कि ओडिशा का फर्स्ट प्रेस मशीन है। मुझे लगता है सारे के सारे यहाँ पे जो चीजें बन रहे हैं ना ओडिशा के फर्स्ट ट्रैवल, फर्स्ट पत्रिका, फर्स्ट मूवी, सारे के सारे अपने इधर ओडिशा के पहले जो हुआ था सबसे फर्स्ट वही चीजों को बनाया जा रहा है। ये बन रहा है प्रेस, वो वहाँ पे बन रहा है रेडियो, मतलब जो मैं बनाया कलाकृति, क्रेडिट गोज टू थोड़ा बहुत मेरे को और सारा भैया को, पर आज कुछ तो क्रेडिट मैं लेके जाऊं। पर ये टास्क इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला था क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे हाईली टैलेंटेड लोग थे। इस क्रू में टोटल अपने 5 से 6 जन हैं। सबसे थोड़ा थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं और अपने को अपना काम भी असाइन हो गया, अपने को वहाँ पे जाके रेडियो को कलर करना है। इससे पहले भैया से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं फिर चलते हैं। हेलो भाई, एडा एडा कौन बना हुआ इससे पूर्ण कलर जो कैसे तरह मिडिल टोन टा पड़ी ब्लैक आउटलाइन देखा ये पूरा इमेज टा बाहर। भैया ट्रेंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, क्या बात कर रहे हो। कौन आ गण मानस भाई अपने इधर कर रहे थे ये वाले पेंटिंग जो कि एक प्रोजेक्टर है। 1936 का मूवी है सीता विवाह, ये ओडिशा का फर्स्ट मूवी, ये वाला जब बनेगा ना तो बहुत गजब। ओके क्रू में अपन धीरे धीरे करके सबको अपना साथी बनाते जा रहे हैं, हम बहुत लोकप्रिय आर्टिस्ट बनने वाले। आर्टिस्ट बनने से पहले मेन जो चीज अपने दिमाग में रखना चाहिए वो है कलर थियरी, और आज के हमारे गुरु हैं किस्सु भाई। इस टीम के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे सीनियर पर्सन है किस्सु भाई, और आपके सामने जो रेडियो दिख रहा है उसको हम दोनों मिलके बनाने वाले हैं। किसो तो मैं कितने वर्ष ले चाकरी कर लूं 10 वर्षों। अब एक चीज तो मेरे दिमाग में आ ही चुका था कि मेरे साथ जो है वो 10 साल एक्सपीरियंस वाले आर्टिस्ट है और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे से थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट हो। ओके अपना रेडियो का इस साइड का फिल हो गया, अपने को वहां दो रेडियो के स्पीकर से उनको अभी कलर देना है। भाई हाउ जी नमथुर किसो भाई इतना तारीफ कर दिया हमारा, हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। इस बीच ज्यादा वक्त नहीं बीते थे पर मैं और किसो भाई हमारे अंदर ही एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग बना चुके क्योंकि हमारा जो वीडियो है ना ये हिंदी में होता है पूरा। ठीक है अरे बढ़िया क्या बात है भैया पूरा हिंदी में पूरा प्रो है। और ऐसे ही थोड़े थोड़े हंसी मजाक में मैं पेंटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट भी करने लग गया था। हो गया ना ये वाला, वाह ये बात, ये रेडियो के स्पीकर्स बन गए। अब मेरे को क्या करना है बता। अब बस आप ऐसे मान लो कि वो थे गुरु द्रोणाचार्य और मैं अर्जुन, किस्सु भाई बस मुझे आज्ञा दे रहे थे और मैं उसका पालन। और हाँ पेंटिंग में मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था, तो ये पेंटिंग को करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ। भैया यहाँ पे जो बना रहे हैं ये क्या है? प्रेस मशीन। यहाँ पे सारे के सारे पहले वाले चीजें हो रहे हैं, तो ये अपना पहला प्रेस मशीन है जो कि ओडिशा में शायद आया था और उसको बना रहे हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन लग रहा है मेरे को यहाँ पे, पूरा हर चीजों में अलग अलग शेडिंग वेडिंग पूरा है। ये मेरे को करने में कितने साल लगेंगे?
आपका नाम? सौम्य भाई। अब देखिए कैसा लगेगा। देखिए क्या, मेरे को बताओ ना, मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इससे एक चीज तो पता चल गया, मैं यहाँ पे जॉब कर तो रहा हूँ पर वो मुझे प्रॉपर पेंटर नहीं सोचा है। तो अभी मेरा सबसे पहला काम ये है कि मुझे सबका भरोसा जीतना है, जिससे कि वो सब मुझे अपना ही क्रूमेट समझे। देखो हम अभी इतने प्रो नहीं है कि भैया हमें अभी बॉर्डर कर रहे थे तो बॉर्डर अभी भैया कर रहे हैं, क्योंकि भैया पूरा का पूरा प्रो है इसमें और हम अब उसके अंदर को फील करेंगे। चलो अब दिखा दे अपना कारुकार्य कला। भाई तुम तो मास्टर है। ये भी फील होगा क्या? किस्सू भाई के मुंह से हाँ सुनते ही मैं ब्रश उठा के पेंटिंग करना चालू ही कर दिया और मतलब इसका अंदर पहले फील कर देता हूँ। और अब मेरे से हो चुका था एक भारी मिस्टेक, मुझे सर्कल के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर को कलर करना था। ये वाला अंदर फील। और अब मुझे पता चला कि 10 साल का एक्सपीरियंस यूं ही नहीं है उनके पास। रंगों के मदद से उन्होंने मेरे मिस्टेक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। अब हो गया। अभी ये वाला टोटल फुल। अच्छा इसका बाहर वाला मेरे को फिल करना है। और फिर क्या, मैंने उनको डिसअपॉइंट होने का एक मौका भी ना दिया। अगर बोला जाए तुम अपने कितने 8 या 10 साल कितने साल हो गए? तो पेंटिंग करने में 10 साल हो गया। 10 साल के अंदर ऐसे काइंड ऑफ पेंटिंग कितने कर चुके होगे? हजार। भैया ऐसे वाले पेंटिंग को 1000 कर चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक दिन में 5-6 पेंटिंग, एक दिन में ऐसा काइंडा मतलब वॉल का बड़ा बड़ा रेडियो काइंडा पेंटिंग 5 से 6। हिसाब कर लो अगर 10 साल का होगा, एक साल में मान लो 3-4 महीने का अगर छुट्टी काट भी लो तो 8 से 9 महीने रेगुलर पेंटिंग और वो भी 5 से 6 ऑन एन एवरेज। अगर 3 भी लोगे ना तो हिसाब कर लेना, मेरे को नीचे कमेंट बताना। अब मेरे को क्या करना है वो बताओ। बचपन से मुझे ये लग रहा था कि आर्टिस्ट मतलब आपको कलर और ब्रश से ही सारा काम करना है, पर अभी अपन वही चीज को थोड़ी क्रिएटिव अंदाज से करने वाले। हम अभी एक रस्सी की मदद से रेडियो की स्पीकर लाइंस बनाने वाले। लगाओ उसमें, खींच के छोड़ दो। और ऐसे थोड़ी देर में हमारा लाइन देने का काम हो चुका था खत्म। ओह ये क्या बात है। हॉरिजॉन्टल लाइंस तो हो गए, अब हमें थोड़े बहुत वर्टिकल लाइंस भी दे देना। रेडियो की लाइनिंग्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे और तभी प्रशांत भाई ने हमें दिया एक रिफ्रेशमेंट। अरे 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 भाई कौन है भाई, थैंक यू। खोरा तो बहुत जोर है। धूप बहुत जोर का हो रहा था पर गवर्नमेंट के डेडलाइन के हिसाब से हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन था। तो अभी प्रशांत भाई ने एक न्यू स्ट्रेटेजी अपनाया, यहाँ पे रहे जितने भी लोग हैं सबको डिफरेंट डिफरेंट काम सौंपा गया ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और काम जल्दी जल्दी निकल पाए। और क्योंकि मैं एक बिगिनर था मुझे सबसे इजी टास्क सौंपा गया, जो है वॉल पेंटिंग। प्रशांत भाई से बेसिक ट्यूटोरियल लेके मैं हो चुका था रेडी इस वॉल को पेंट करने के लिए। मेरे हाथ में एक रोलर और मुझे इस दीवार को करना है व्हाइट। अब एक टाइम के लिए मैं सोच रहा था कि कलरिंग करना बहुत ज्यादा पैशन का खेल है, बहुत ज्यादा मजा आता होगा, पर कुछ तरीके मेरे शायद सोचने के गलत है क्योंकि ये बस रोलर पे मैं दीवार में घिस रहा हूँ और ये कलर इतना ज्यादा हैवी है, हाथ की टांटा भी सो चुकी है भाई। पर हमको अभी बहुत सारे वॉल्स को कलर करने हैं तो शायद बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं इसका एक छोटा सा टाइम लैप्स लगा दूंगा। ये है मेरे हाथों का हालत, ये थोड़ा ये अब फील आ रहा है, थोड़ा बन रहा हूँ ऐसा फील आ रहा है। क्या बात है भाई, भैया ने बना दिया रेडियो को पूरा कंप्लीट और अभी शायद इसके फाइनल टच दिया जा रहा है। नहीं ये वाला वॉल बस उस टाइम मेन लाइनिंग दिए गए थे और अभी इसमें पूरा का पूरा शेडो वेड देख के पूरा बहुत आगे चला गया। ये बैल गाड़ी है अगर आपको पता होगा, अब सभी को पता होगा। क्या बोलने वाली बात, टाइम अब सुबह से 2 पहर हो चुका है, अब बारी है लंच का। अपने चैनल को दूसरों से सब्सक्राइब करवा के, बढ़िया है, नए नए सब्सक्राइबर मिलने, आप लोग भी सब्सक्राइब करो, मुझे पता बहुत सारे लोग। सुबह के टाइम जितने आर्ट स्टार्ट हुए थे वो सारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके, अब बारी है नए आर्ट। आपके पास कभी कभी लोग आते होंगे मतलब फाइट वाइट करने के लिए, उसके लिए क्या यही बाड़ी से काम चला लेते हैं? करना क्या पड़ता है फिर? पेंटिंग होने वाले उस वाले वॉल पे भैया खड़े होंगे यहाँ पे, उनके हाथ में एक लंबा सा लाठी, उसके सामने एक छोटा सा बस ब्रश है और उससे बनाया जाएगा इधर पेंटिंग। प्रशांत भाई ने ग्रुप के हर एक मेंबर अभी अपने नए आर्ट करने में लग चुके थे। मेरा काम मैंने कर दिया, अब जो होगा वो उसमें थोड़ा प्रोग्री लगेगा। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक दिन में मैं एक प्रॉपर आर्टिस्ट बन गया, पर हाँ इस दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास था।
इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दो पैसे कमाने के लिए आदमी अपने घर से बाहर निकलता है, पर उस मुकाम तक सिर्फ कुछ ही लोग खुशी खुशी पहुंच पाते हैं जो अपने पैशन को अपना पेशा बनाए होते हैं। इस क्रू में मुझे कुछ ऐसे लोग दिखे जो बचपन से आर्ट के शौकीन थे और आज वो सब आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने पैसों की जगह अपने पैशन को चूज करा। इस रास्ते में बाधाएं आएंगी, संदेह होगा और गलतियां भी होंगी, पर जब रास्ते के आखिरी छोर पर पहुंच के कभी पीछे मुड़ के देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगा, सफलता। ये रेडियो हमने बनाया था तो हम अपना वाटरमार्क डाल रहे हैं इधर। ये जो भी ब्लॉग देख रहे हैं अगर यहाँ पे आके फोटो उठा के मेरे को इंस्टा पे टैग करोगे तो मैं रिपोस्ट करूंगा जरूर से। तो इसी के साथ होता है अपना डे वन कंप्लीट। आप लोग कुछ परेशान नहीं हुई? मैं आपका आपको कुछ नुकसान? बहुत अच्छा लगा।